ये खेजड़ी की पूजा कर रहे हैं। आज द्वितवार है, द्वितवार के दिन खेजड़ी की पूजा करते हैं हमारे यहाँ। ये मेरी मम्मी है जो कि खेजड़ी की पूजा कर रही है। द्वितवार ने पूछा को पेड़ कौन सी चे और पीपल को पेड़ कौन सी चे। खेजड़ी की पूजा हुए द्वितवार के दिन। अब कई जगह तो जाटी बोल रहे, कई जगह खेजड़ी बोल रही। अब बहुत काम आवे है, शुभ काम आवे है। ब्याह हुए तो फिर अगवाने खेजड़ी को लूंग चाहिए और बाला जी के पीछे ही पेड़ खेजड़ी को हुए है। केसरे कंवर जी को पेड़ खेजड़ी को हुआ है और गुग्गा जी को पेड़ खेजड़ी के नीचे हुए है। इनका कहना है कि धार्मिक जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें खेजड़ी यानी समी जिसको बोलते हैं, वेदों में समी लिखा होता है, उनकी लकड़ी लौंग ये सब काम में आता है। और संडे के यानी द्वितवार के दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है। तो हमारी माता जी है वो खेजड़ी की पूजा करते हैं, हर रविवार को खेजड़ी के भोगों को लगाते हैं और जल चढ़ाते हैं। तो वीडियो में आगे बने रहना, वीडियो को पूरा देखना। राम राम दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है कैसे आरस ब्लॉग पे। मैं राम कुमार कुमाऊँ। आज का वीडियो में मैं बताऊंगा आपको राजस्थान के ताजे वृक्ष खेजड़ी के बारे में। आप मेरे पीछे ये जो पेड़ देख रहे हो ये खेजड़ी का ही पेड़ है। ये लगभग 3-4 साल पुराना पेड़ है। जब ये पौधा मैंने अपने घर पर ही तैयार किया है। खेजड़ी के पेड़ को राजस्थान में और कई नामों से जानते हैं। यहाँ इसको समी भी कहते हैं, जाटी भी कहते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे प्रमुख फायदा यह है कि ये अपने को प्राण वायु देता है और इसके अलावा इसके जो लौंग है ये काम में आती है, बकरियों के चारे के काम में आती है। इसके अलावा ये हर साल इसकी कटाई होती है तो ये जो छड़ी है ऊपर वाली ये जलाने के काम में आती है और ये दशहरे के ऊपर इसकी पूजा की जाती है। गर्मियों के दिनों पर इसके ऊपर फलियाँ लगती है, उनको सांगरी कहते हैं। सांगरी सब्जी बनाने के काम में आती है और वो जो सांगरियाँ हैं पक जाती है तो सूख जाती है, उनके बाद वो खोखे बन जाते हैं, खोखे बोलते हैं उनको। वो भी खाने के काम में आते हैं। खोखे खाने से शरीर में पाचन शक्ति बढ़ती है और उन्हीं खोखों से बीज निकलते हैं जो आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। उन्हीं बीज से नई खेजड़ी का पौधा तैयार होता है और वो पौधा बड़ा होकर खेजड़ी बन जाती है। खेजड़ी के बारे में आगे मैं इस वीडियो में और दिखाऊंगा, आप पूरा वीडियो जरूर देखना। बरसात का मौसम आने वाला है 15-20 दिनों में और अभी क्या है कि कुछ पौधे तैयार कर लेते हैं इन थैलियों में, इनके अंदर बीज डाल देते हैं और पौधे तैयार हो जाएंगे। जैसे ही चौमासा जिसको अपन बोलते हैं बरसात का टाइम, तो उस टाइम में ये पौधे अपन खेत में लगा देंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ लगा सकते हैं। इन थैलियों में तैयार करने का कारण ये है कि इनमें क्या है, बीज डाल देंगे और पानी कम डालना पड़ेगा। अगर अपन डायरेक्ट ज़मीन में बीज डालें तो वहाँ पानी बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है, इसलिए पौध तैयार कर लेते हैं। ये जो फलियाँ हैं, ये जो फलियाँ आप देख रहे हो, पौधा दिखाऊंगा उसी पौधे की ये फलियाँ हैं। बहुत ही हरा पौधा होता है। तो ये थैली मैंने ली है और इसके अंदर माटी डाल ली है। माटी के अंदर एक एक ये फलियाँ इसके अंदर डाल देते हैं। इस तरह करके मैं सभी फलियों को डाल देता हूँ। आप देख रहे हो ये मेरे हाथ में खेजड़ी के वृक्ष के बीज हैं, इनसे मैं खेजड़ी के पौधे तैयार करूँगा। यहाँ ये पौधे घर पे ही तैयार कर लेंगे। अगर बाज़ार से ये पौधे लाने जाएं तो ये कम से कम 250-300 और 500 रुपये तक खेजड़ी का पौधा हमें मिलता है। तो इस वक्त ये थैलियों में मैं डालकर यहाँ घर पर ही तैयार कर लेता हूँ। इस तरह इन थैलियों में मैंने एक ही बीज डाल दिया है और बीज डालने के बाद में इनमें पानी डाल रहा हूँ और ये पौधे तैयार हो जाएंगे अपने। ये जैसे पौधे तैयार हो जाएंगे तो इनको खेतों में जहाँ अपने लगाना हो वहाँ लगा सकते हैं। तो दोस्तों बीज लगा दिए हैं, पौधे तैयार हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं राजस्थान के खेत, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे पानी की सिंचाई करने के बाद में मूंगफलियाँ बाई जाएगी, आगे की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा।
ये पेड़ जो देख रहे हो बहुत ही छायादार पेड़ है, इसके पत्ते बहुत हरे भरे हैं। अभी इस टाइम में देखो कितना धूप और पड़ रही है, इसके बावजूद भी पेड़ के पत्ते बहुत हरे हैं। तो इसकी पातड़ियाँ जो मैंने लगाई है वो इसी पेड़ की पातड़ी है। जैसे ही वो पेड़ बनेंगे, ये पौधे निकल जाएंगे, उसके बाद में उनको जहाँ लगाना होगा वहाँ लगा देंगे। मैं इसको दिखाता हूँ नज़दीक से, देखो इस तरह के इसके पत्ते हैं। इसका नाम क्या है ये तो पता नहीं है, लेकिन छाया बहुत ही अच्छी और ठंड रहती है चारों तरफ, यानी जानवर इसके नीचे आराम से बैठ सकते हैं, आदमी इसके नीचे आराम से रेस्ट कर सकता है। और इसके इस तरह के देखो फूल आए हुए हैं, बढ़िया, बहुत ही शानदार लग रहा है ये। तो बरसात का मौसम चालू हो रहा है, आप भी इस तरह के पेड़ पौधे तैयार कर सकते हो, पौधे तैयार कर लो जिससे कि बरसात आते ही तुरंत वो पौधे अपने लगा सकते हैं। जहाँ छायों की आवश्यकता है वहाँ ये पौधे लगाए जा सकते हैं, और जो आवारा जानवर है वो इनके नीचे बैठ सकते हैं, पक्षी इनके अंदर रह सकते हैं, और साथ ही साथ प्राणवायु भी अपने को इन पौधों से मिलती रहती है। मेरे साथ मेरा भांजा हिमांशु है, हम दोनों ने इस पौधे में पानी डाला है। जामुन का पौधा है ये, जल्दी तैयार हो जाता है और इसका पेड़ भी बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, इसके जामुन भी लगते हैं। जामुन भी शुगर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए आप भी जामुन के पेड़ आसपास लगाओ। जामुन के जो बीज हैं उनसे आप पौधे अभी तैयार करके और चौमासा में लगा सकते हो। ये आप देख रहे हो राजस्थान में रोई है, खेतों को रोई बोलते हैं, और रोई के अंदर बहुत सारी खेजड़ियाँ लगी हुई है, चारों तरफ खेजड़ियों खेजड़ियाँ दिख रही है। ये खेजड़ी मैं दिखा रहा हूँ आपके सामने, ये देखो अभी नई पत्ती ले ली है और बहुत सारी फैल गई है, देख खाता हूँ मैं पत्तियाँ इनकी। ये देखो ये पत्तियाँ हैं, ये पत्तियाँ काम में आती है, इसको लूंग बोलते हैं, और जानवर है जैसे बकरी खाती है। तो जो पौधे हैं वो फिर भी विशाल रूप ले लेते हैं, इनके बहुत सारे फायदे मैंने आपको बताए हैं, इसलिए आप भी पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, और प्राणवायु ये हमें देते हैं। ये जो पेड़ देख रहे हो ये भी खेजड़ी का पेड़ है, नीचे बहुत ही मोटा इसका पेड़ होता है और ऊपर इसके अलग अलग शाखाएं होती है, ये बहुत ज़्यादा फैल भी जाता है, हर साल इसको छांग लिया जाता है। पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में, धूप बहुत है कहकर बैठे हैं उसी के छाहों में। ये देख रहे हो ये इसी पेड़ की जो सांगरी होती है, सांगरी सूखने के बाद में खोखा हो जाते हैं, और ये खोखे हैं, इसको खाने से पाचन शक्ति बढ़ती है। ये स्वादिष्ट भी लगते हैं, मीठे भी लगते हैं, इनको इस तरह खाया जा सकता है, और इनके बीज निकाल कर अगर इनको कूट के थोड़ा चीनी मिलाए तो और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाते हैं। तो ये है खोखे, ये देखो आप, ये खोखे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में भी। ये देखिए मैं खा रहा हूँ, इनके अंदर जो बीज है वो निकाल देते हैं, और उन्हीं बीजों को मैंने आपको दिखाया है, जो पौधे तैयार कर रहा हूँ मैं इन्हीं बीजों से कर रहा हूँ। यहाँ खेत में तो क्या है कि वो पौधे तैयार नहीं हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक्टर चलते रहते हैं तो वो क्या है कि कट जाते हैं, इसलिए पौधे तैयार नहीं होते हैं। इसलिए मैंने पौधों को अलग से अपने घर पर लगाए हैं, जैसे ही वो पौधे बड़े हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, तो जहाँ लगाना होगा वहाँ वो पौधे लगा देंगे। तो आप भी इस तरह ये जो खोखे हैं इनके बीज निकाल कर पौधे तैयार कर सकते हो। इस पेड़ के नीचे हमें बहुत सारे खोखे मिले हैं, और हम इनको इकट्ठा कर रहे हैं, फिर इनको खाएंगे और पौधे इनके तैयार करेंगे, बीजों से पौधे नए पौधे तैयार कर लेंगे। बहुत सारे खोखे मिले हैं। यह जो आप देख रहे हो ये तीतर का अंडा है, तीतर एक साथ 4-5 अंडे भी देता है, यहाँ पे एक ही अंडा दिया है इसने। अब मेरे साथ है ये राजेश शर्मा काका जी जो लगते मेरे, ये भी यहाँ पीछे आप जो देख रहे हो खेत इन्होंने बांध दिया है, मूंगफली भाई है। कितने दिन हो गए मूंगफली भाई हुए? सोमवार के दिन भाई थी, साथ हुई थी ना 7-8 आंगल, उसके बाद में पड़ाव चालू कर दिया। हाँ, यानी कि ये फुहारा सिंचाई से इन्होंने मूंगफली भाई है, तो दिखाते हैं देखो कितनी मूंगफली निकली है। मूंगफली निकलना चालू हो गई है, और जैसे जैसे ये 5 या 10 दिन में ये पूरी मूंगफली निकल जाएगी। तो आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना,
और हमने अभी हमारी पार्टी चालू है, खोके हम खा रहे हैं। तो राजस्थान का जो वृक्ष है खेजड़ी, उसके बारे में मैंने बताया आपको। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पौधे तैयार करके इस चौमासा में लगाना, बरसात के दिनों में पौधे लग जाते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। क्या लग गया खोका? मीठा बढ़िया लग गया। इसने बहुत सारे खोके खाए हैं आज, बहुत ही टेस्टी खोके हैं, मीठे हैं।